22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से राहु बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति रहेगी गुरु के मेष राशि में प्रवेश करने की, एक युति का निर्माण करेगी, जिसको गुरु चंडाल योग या गुरु चंडाल दोष के नाम से जाना जाता है। तो कैसे प्रभाव देगा गुरु और राहु का, जो ये संयुक्त प्रभाव है हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर, आज मैं इसी विषय के ऊपर बात करूंगी आप लोगों से। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, गुरु की राशि परिवर्तन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और इसका सभी लोग अपने जीवन में बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब गुरु आएंगे और अपने प्रभाव को देना शुरू करेंगे। इस बार जो गुरु की स्थिति बन रही है मेष राशि में, जो कि बहुत ही अच्छी है, 12 वर्षों के बाद आ रहे हैं गुरु मेष में, लेकिन इस बार उनके साथ में राहु भी रहेंगे, और ये राहु 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो आने वाला जो करीब 6 महीने का टाइम है, 6 से 7 महीने का, वहां पर गुरु को राहु के साथ में रहना होगा। तो इस युति के बारे में लोगों के मन में बहुत धारणाएं होती हैं, बहुत सी आशंकाएं होती हैं कि ये प्रभाव बहुत खराब देंगे, गुरु जो हैं बिल्कुल चंडाल की तरह से काम करने लगेंगे, या गुरु एकदम राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। इस चीज को लेकर के बहुत डर और तरह तरह की आशंका रहती है। इस विषय पर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल सामने ये युति बनने जा रही है, तो मैंने लास्ट में सोचा कि कॉम्पैक्ट वीडियो आप लोगों को दे दूं, जिससे सभी को जानकारी मिल जाए। और बहुत डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के मेरे राहु चांडाल का जो प्रभाव है गुरु राहु का, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, जब गुरु प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल 2023 को मॉर्निंग में 6 बजे के करीब, तो उस समय पर गुरु की स्थिति जो रहेगी वो अस्त की रहेगी। और ये मेष राशि में केतु के नक्षत्र अश्वनी में प्रवेश करेंगे, और उसी समय पर राहु जो है मेष राशि में रहेंगे, केतु के ही नक्षत्र अश्वनी में, लेकिन उनका जो चरण रहेगा वो तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके रहेंगे, और गुरु पहले में प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों के बीच में नक्षत्र एक ही रहेगा अश्वनी का, लेकिन चरण का थोड़ा सा फासला रहेगा, डिफरेंस रहेगा, मतलब कि दोनों के ही नक्षत्र स्वामी तो एक हो जाएंगे, लेकिन चरण अलग होने से थोड़ा सा प्रभाव जो रहेगा राहु का गुरु के ऊपर उतना नहीं पड़ पाएगा। और दूसरी चीज ये रहेगी कि इसका जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा वो 25-26 मई से लेकर के 30-31 मई का जो टाइम पीरियड है, जो 6-7 दिन का समय है, वहां पर राहु और गुरु बहुत पास रहेंगे, बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में रहेंगे, एक दूसरे को लगभग ओवरलैप करते हुए निकलेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि दो अलग टाइप की जो एनर्जीज हैं एक दूसरे से ओवरलैप होकर के एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं। उस टाइम पीरियड में आप सभी लोग, जितने भी मेष लग्न राशि से लेकर के मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपकी कुंडली में जिस भी भाव में मेष राशि आती है, उस भाव से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जितने भी कारकत्व हैं उस हाउसेस के, और दूसरी चीज गुरु के जितने कारक चीजें होती हैं, उन सभी से संबंधित निर्णयों को आप 25-26 मई से लेकर के 31 मई के बीच में बिल्कुल होल्ड पे रख दीजिएगा, मत लीजिएगा, और उस टाइम पीरियड को निकल जाने दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा और भी अधिक सावधानी रखनी है, तो इन दोनों ग्रहों के बीच में जो 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है, उस गैप को बन जाने दीजिएगा, फिर आप अपने भाव से संबंधित जो भी डिसीजन है उनको आप ले सकते हैं। इसके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो लगभग 10 मई से लेकर के 10-15 जून का टाइम पीरियड रहेगा। तो उस 1 महीने 1 महीने 10 दिन 5 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर भी चाहे तो आप सावधानी रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो युति बनती है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी ग्रह अपने जो उसके स्वाभाविक कारकत्व हैं, या जो उसके गुण होते हैं, जो उस ग्रह की विशेषताएं होती हैं, उसको टोटली वो डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होने देता है। और
कितना भी नेगेटिव प्लेनेट आ जाए, गुरु के समीप गुरु अपने नॉलेज को, अपने विजडम को कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े शुभ ग्रह हैं ये, बहुत ही बड़े ग्रह हैं ये, काल पुरुष में भाग्य के मालिक होते हैं, मोक्ष के मालिक होते हैं। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जो गुरु मेष में रहेंगे तो राहु की तुलना में गुरु के पास अधिक बल रहेगा, बल जो रहेगा इनको राशि लॉर्ड मंगल का मिलेगा, जो केतु का नक्षत्र होता है, केतु से गुरु के जो संबंध होते हैं वो एक तरीके से समता वाले संबंध होते हैं, भले ही केतु राक्षस वर्ग के ग्रह हैं, इसके बावजूद भी केतु का जो संबंध होता है गुरु के साथ में वो मोक्ष प्रदायक होता है। इस वजह से नक्षत्र लॉर्ड भी गुरु को बहुत अधिक तंग नहीं कर सकता है, जबकि राहु अपने आप में एक राक्षस ग्रह है, मैलिफिक प्लेनेट है, और केतु के नक्षत्र में रहेंगे जो केतु उनका मित्र है, लेकिन जो राशि लॉर्ड मंगल है वो राहु का मित्र नहीं है, तो जो अधिक सपोर्ट मिल रहा है वो गुरु को मिल रहा है। इस वजह से भी यहाँ पर इस गुरु चांडाल युति का जो नकारात्मक प्रभाव है वो बहुत अधिक नहीं रिजल्ट दे पाएगा, इसको भी आप अपने मन में रखिएगा। और जितने भी लोग हैं आप लोग अपने हाउस के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जो अलग अलग राशियां हैं उनके लिए ये प्रभाव बहुत नकारात्मक रिजल्ट्स नहीं देने पाए, उसके लिए आप लोग अपने गुरु को स्ट्रेंथ दीजिएगा और राहु के दान करिएगा, गुरु के लिए उनके मंत्रों का जप कर लीजिएगा और राहु के लिए उनकी वस्तुओं का डोनेशन कर दीजिएगा, उससे भी इस युति का जो नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि इस युति को किस तरीके से अलग अलग राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो मेष के लिए आपके लग्न स्थान पर ही हो रहा है, लग्न आपका पूरा व्यक्तित्व होता है और यहाँ से आपके निर्णय क्षमता भी देखी जाती है, तो थोड़ा सा आप संभल करके रहिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिएगा, कोई भी डिसीजंस नहीं करिएगा, विशेष रूप से अपने हर एक तरह के कार्यों के लिए, चाहे वो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो, आपके बच्चों से संबंधित हो, आपके स्वयं के जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय हो, किसी भी तरह के डिसीजंस को आप 25 मई से लेकर के 31 मई के बीच में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, होल्ड पर दीजिएगा, इस समय को निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ वालों के लिए जो ये स्थिति है आपके 12वें भाव में हो रही है, तो आपको विशेष रूप से खर्चों से बचाव करना रहेगा और 25 मई से लेकर के 31 मई के बीच में अपने आप को यात्राओं से बचाइएगा, जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं उन चीजों से अपना बचाव कर लीजिएगा, उस टाइम पीरियड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा टाल दीजिएगा, वो समय निकल जाने दीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो मिथुन वाले लोग हैं, आपके लिए इस युति का निर्माण आपके 11th हाउस में हो रहा है, जो टाइम पीरियड है 25 मई से लेकर के 31 मई का, यहाँ पर आप अपने कोई भी बड़े निर्णय मत करिएगा, विशेष रूप से गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए डिसीजंस होते हैं, आपके भाई बहनों से संबंधित, आपके मित्रों से संबंधित, या ओवरऑल जो आपका प्रोफेशन फाइनेंस है, हर एक तरीके के जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनसे जुड़े हुए डिसीजंस को आप इन 5-7 दिनों के भीतर बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाए। इसी तरीके से कर्क वालों के लिए इस युति का निर्माण आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो आप लोग अपने प्रोफेशन से जुड़ करके, व्यापार बिजनेस से जुड़े हुए निर्णय, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो भी आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस है उनसे जुड़े हुए सारे डिसीजंस को 25 मई से लेकर के 31 मई के बीच में बिल्कुल भी नहीं करिएगा, अपने अधिकारियों के साथ में, साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में बहुत बना करके चलिएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने पाए। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए इस युति का निर्माण आपके 9th हाउस में हो रहा है, तो ये जो हाउस होता है आपकी हायर स्टडीज का होता है, आपके पिता का, और जो जैनीज होती हैं, धर्म आध्यात्म इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ भाव होता है ये, तो आप 25 मई से लेकर के जो 31 मई का टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आप ना तो कोई जर्नी करिएगा, ना अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बड़े फैसले करिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, जर्नी से अपने आप को बचा करके रखिएगा। कन्या वालों के लिए जो स्थिति है आपके 8th हाउस में हो रही है, तो आप 25 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, किसी भी तरह की जो जर्नीज होती हैं, ड्राइविंग है, कोई भी बड़े फैसले लेने हैं, बचाव करिएगा, आप प्रयास करिएगा
इस टाइम पीरियड में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं करें, विशेष रूप से अपने इन लॉस से जो जुड़े हुए मैटर्स से वहां पर तो कदापि ही नहीं करें, नहीं तो वहां पर संबंधों के बिगाड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यात्राओं से बचा करके रखिएगा, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी आप खुद को संभाल करके रखिएगा। इसके बाद जो तुला वाले लोग हैं, आपके 7th हाउस में स्थिति का निर्माण हो रहा है गुरु चांडाल युति का, तो आप लोग 25 मई से लेकर के जो 31 मई का टाइम पीरियड है, अपने व्यापार बिजनेस से संबंधित, अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से संबंधित कोई भी डिसीजंस नहीं लीजिएगा। जो व्यापार से संबंधित किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी इस टाइम पीरियड में नहीं लीजिएगा, और यात्राओं से अपने आप को बचा करके रखिएगा। इसके बाद जो वृश्चिक वाले लोग हैं, इस युति का निर्माण आपके 6th हाउस में हो रहा है, तो आप लोगों को भी विशेष रूप से 25 मई से लेकर के जो 31 मई का टाइम पीरियड है, किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं एनिमी से रिलेटेड, या किसी भी तरह का जो फॉरेन रिलेटेड मैटर से जुड़ा हुआ कोई काम आपका है, या कोई भी आप हेल्थ से संबंधित आपको कोई प्लानिंग करनी है, कोई आपको प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, कोई डिस्प्यूट है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीजें होती हैं लाइफ की, उनसे जुड़े हुए जो निर्णय है उनको आप इस समय पर बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, होल्ड पर रखिएगा, जिससे कि ये टाइम निकल जाए, फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी आप निर्णय लेंगे वो हो सकता है कि उतना सही रिजल्ट ना दे, या नकारात्मक प्रभाव दे दे, या उसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। विशेष रूप से इस टाइम पीरियड में किसी से भी शत्रुता बिल्कुल भी नहीं मोल लीजिएगा। इसके बाद जो धनु वाले लोग हैं, आपके 5th हाउस में स्थिति का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग अपने बच्चों से संबंधित, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल जो आपके मैटर्स होते हैं, और कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई आपको डिसीजन लेना है, तो 25 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड है, सारी चीजों को होल्ड पर रखिएगा, और कोई भी बड़े फैसले आप मत लीजिएगा 5th हाउस से रिलेटेड। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, और ये जो समय रहेगा अपने जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं उससे जुड़े हुए भी कोई बड़े डिसीजंस आप 25 मई से 31 मई के बीच में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। फिर मकर वालों की बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए 4th हाउस में ये सेतु का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग 25 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने हाउस जो आपका जो डोमेस्टिक एरिया है, जो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इवेंट्स से, जो आपकी फैमिली का ओवरऑल घर का जो पूरा माहौल होता है वहां से जुड़े हुए कोई भी बड़े फैसले नहीं लीजिएगा। विशेष रूप से किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप प्रॉपर्टी में, या कोई व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के रहने की आवश्यकता है। 25 मई से लेकर के 31 मई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, कोई डील व्हीकल नहीं करना है। मदर के साथ विशेष रूप से आप सामंजस्य बना करके रखिएगा, परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। इस टाइम पीरियड को निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई बड़े फैसले लीजिएगा। कुंभ वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, आपके 3rd हाउस में बन रही है गुरु राहु युति का निर्माण, तो आप लोग 25 मई से लेकर 31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल मैटर, कोई भी जर्नीज है, कोई भी आप फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के आईटी सेक्टर से, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, या कोई भी आपका पब्लिशिंग रिलेटेड कार्य है, पेपर से जुड़ा हुआ कार्य, कोई भी उनसे संबंधित किसी भी चीज को, आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, या जो जर्नीज हैं, कोई आपका व्यापार है, बिजनेस है, आपके जो आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, ये जो 5-6 दिन का टाइम पीरियड है 25 मई से लेकर 31 मई का, यहाँ पर आप अपने आप को यात्राओं से भी बचा करके रखिएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करने को मिले। फिर जो मीन वालों की स्थिति बन रही है, आपके 2nd हाउस में इस युति का निर्माण होगा, तो विशेष रूप से 25 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप लोग अपने सारे फैमिली मैटर्स को, चाहे वो पारिवारिक सौहार्द की बात हो, या आपके कम्युनिकेशन की बात हो, या आपके फाइनेंस की बात हो, इन सारे डिसीजंस को आप 25 मई से 31 मई के बीच में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। और आगे जब राहु और गुरु एक दूसरे से अंशात्मक दूरी
बना लेंगे, तब आप लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने भावों के अनुसार डिसीजंस लेने के लिए। इस तरीके से जितने भी मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, जो गुरु राहु युति का निर्माण हो रहा है आप लोगों के लिए, इससे डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप टाइम पीरियड को ध्यान रखें कि कब आपको बड़े निर्णय नहीं करने हैं, और जैसे ही गुरु और राहु के बीच में डिग्री डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, तब इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है एक दूसरे के ऊपर वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा, और गुरु पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे, अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाएंगे, और जितने भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं राहु के, उसमें भी काफी हद तक जो है गुरु अपने प्रभाव को डाल करके कमी करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग राहु चंडाल युति से डरिए नहीं, बल्कि उसको समझ करके कैसे उसका दोनों ग्रहों का आपको रिजल्ट्स लेना है, थोड़ा सा आप समझ करके अगर कार्य करेंगे तो इस नकारात्मक युति का आपको कोई विशेष नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग डिटेल में अगर वीडियो को समझना चाहते हैं तो जो मेरा राहु गुरु चांडाल योग के ऊपर वीडियो है, ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसको, तो आप लोग उसको भी सुनिएगा, तो उससे आपको और भी अच्छे से समझने में आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में, कि आप डेट को याद कर रखें जो एक टाइम पीरियड है विशेष रूप से, क्योंकि पीछे का वीडियो है, काफी करीब 1 महीने हो गए होंगे उसको अपलोड हुए, तो हो सकता है कि बहुत से लोग भूल जाते हैं। तो ये 22 तारीख को ये ट्रांजिट होना है राहु का, राहु के साथ में पहुंचेंगे गुरु मेष राशि में, तो ये जो इसको जब आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सारी चीजें फिर से रिकॉल हो जाएं। इस पर्पज से मैं इस वीडियो को दे रही हूँ, और राहु को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, राहु की आप रेमेडीज करिएगा, उसके लिए आप जो नारियल होता है उसको आप अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी भी बहते हुए पानी में बहा सकते हैं, या कहीं मंदिर में रख सकते हैं, उससे राहु की नकारात्मकता कम होती है। बहुत आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में हो तो आप कोयले का दान कर सकते हैं अपने वजन के बराबर। इसके अलावा जो अनाज होता है, जौ वगैरह होता है, उसको आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं कच्चे दूध से भिगो करके, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, और शाम के टाइम पे करें तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो शाम को 6-7 बजे सूर्यास्त के बाद का टाइम होता है वो राहु काल होता है, तो वहां पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और गुरु को आप लोग स्ट्रेंथ दीजिएगा गुरु के मंत्रों का जप करके, और विष्णु सहस्त्र नाम सुन के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर आप लोग मंत्र जप करिएगा। मंगल को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, तो इस युति का जो बहुत नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा, और ये सारी चीजें तभी देखने को मिलेंगी जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा में कहीं पर गुरु होंगे, राहु होंगे, मंगल होंगे, तब आपको इस कॉम्बिनेशन का अधिक रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपके नेटल चार्ट में राहु गुरु की युति बनी हुई है, तब आपको प्रभाव हो सकता है कि देखें, अदरवाइज बहुत सामान्य से ट्रांजिट चला जाएगा, और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों को समझिए, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं, तो कभी भी बहुत ज्यादा राहु से प्रभावित होकर के बिल्कुल उल्टे निर्णय करने लगे। बहुत से वीडियोस में बताए जाते हैं कि गुरु चंडाल जो युति होती है वो व्यक्ति को बिल्कुल दिग्भ्रमित कर देती है, और सारे उसके कार्य बदल जाते हैं, उसके क्रियाकलाप एकदम बिगड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि राहु ज्ञान के कारक हैं और गुरु किसी भी चीज का विस्तार करते हैं, तो गुरु के जितने भी कारकत्व तो होते हैं, राहु वहां पर बैठ करके गुरु की चीजों को बढ़ाने का ही कार्य करेगा। थोड़ा बहुत तो प्रभाव दे सकता है राहु गुरु को, लेकिन बहुत ज्यादा राहु को नेगेटिव ढंग से नहीं प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से जिन लोगों की कुंडलियों में राहु गुरु युति का निर्माण होता है और अच्छे भावों में होता है, तो वो लोग काफी सफल भी होते हैं, हमेशा ये नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। और इसके लिए व्यक्ति के कुंडली में जो नेटल चार्ट में लग्नेश की स्थिति होती है, चंद्रमा की जो स्थिति होती है, मरकरी की, वो सारे ग्रह भी अपना एक प्रभाव देते हैं। किसी एक ग्रह या दो ग्रह की युति से पूरे परिणाम टोटली बदल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है, चंद्रमा उसका मन होता है, और बुद्धि होती है, उसकी इंटेलिजेंस होती है। अगर ये सारे प्लैनेट चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी डिग्निटी के साथ में बैठे हुए हैं, तो किसी एक नकारात्मक युति के बन जाने से भी जीवन में बहुत नेगेटिव परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे।
कि किस तरीके से इस कंजंक्शन को लेना है और कैसे इसके रिजल्ट्स को समझना है। और आप सभी व्यूअर्स को आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद बोलती हूँ, और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।